और जांच के बीच कोलकाता कांड में फंसे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आईएमए ने कड़ी कार्रवाई की है। आईएमए ने घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई जांच जारी है। अपने ही अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और फिर उनकी बर्बर हत्या के खिलाफ संदीप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से आईएमए भी आहत है और लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब उसने संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। इससे पहले आईएमए महासचिव ने अशोकन के साथ मृतक महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की थी। आईएमए के आदेश में कहा गया है कि संदीप घोष ने महिला डॉक्टर के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इस मामले को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की भी उनमें कमी दिखी, जिसके बाद आईएमए की अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। इधर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने को लेकर सीएम ममता बनर्जी की अपील को ठुकरा दिया है। वो कोलकाता कांड के विरोध में 21 दिनों से काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने कहा है कि महिला डॉक्टर को न्याय मिलने समेत उनकी सभी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती आंदोलन वापस नहीं लेंगे। दुर्गापुर में सियासी दंगल देखने को मिला। सड़क पर पुलिस के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दुर्गापुर एक बार फिर दहल उठा। पुलिस को आंसू गैस के कई गोले दागने पड़े। अब ये तस्वीर भी देखिए, गिरी हुई बाइकें बता रही हैं कि किस कदर भीड़ ने यहाँ कहर ढाया, तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें सीपीआईएम कार्यालय की है, जहाँ दर्जनों मोटरसाइकिलें तोड़ डाली गई। टीएमसी कार्यालय के पास बम से भी हमले का आरोप है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारी की अब ये भिड़ंत भी देखिए। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि आरजीकर रेप और हत्याकांड के बाद सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने डीएमसी इलाके में रैली निकाली थी। कहा जा रहा है कि इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ता डंडों के साथ पहुंचे और रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आपस में दोनों भिड़ गए। इस बीच पुलिस बीच बचाव को आई, लेकिन दोनों कार्यकर्ता हटने को राजी नहीं थे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिस वालों को भी चोटें आ गई हैं। खबर असम से है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ विपक्ष ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उनके खिलाफ धर्म और जाति को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। असम के विपक्ष दलों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ये बातें कही थी। इस पर विपक्ष ने अब कानून की राह पकड़ ली है। विपक्षी दलों का आरोप है कि हाल के दिनों में हेमंत बिस्वा सरमा ने कई बयान दिए हैं। उन बयानों को लेकर हेमंत के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने कल दिसपुर थाने में केस भी दर्ज कराया है। सीएम पर धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। असम का जो माहौल है, इसमें एक संघर्ष फैलाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर रहा है। जनता का बीच घृणा पैदा करने के लिए, कम्युनल राइट करने के लिए वो हमेशा ऐसा बयान दे रहा है। ये बयान वो असेंबली का अंदर भी देना शुरू किया है। इसलिए हम यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा, ये हेमंत बिस्वा सरमा को बर्खास्त करना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने वालों में संयुक्त विपक्षी मंच असम यानी यूओएफए के महासचिव लुरियन ज्योति गोगोई भी शामिल थे।